Bismillahir Rahman Rahim, Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are fine. I welcome you all to the Urjit Education Systems online classes. I am your class teacher, Ms. Ansa Abbas, with the lecture number 4 of Social Studies World Around Us. Students, today the date is 21st December 2020 and the day is Monday. टॉपिक टुडे इज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है ठीक है सो स्टूडेंट्स ओपन योर इंग्लिश बुक्स पेज नंबर टेन आप सब अपनी इंग्लिश का पेज नंबर टेन निकालें हेयर द टॉपिक इज़ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द थीम कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होता क्या है कम्युनिकेशन का मतलब है कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ रबा करना कोई लिंक बनाना ठीक है सो so जो आज हम हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से लोगों से या किसी से भी जो है हम राबता कर सकते हैं ठीक है हम उनके साथ कैसे रबते में रह सकते हैं हम उनसे कम्युनिकेट किस तरह कर सकते हैं ठीक है सो so, सबसे पहली जो चीज़ आती है वो हम ये पढ़ेंगे वट इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन के जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं ठीक है द मोड्स थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद अदर्स के ऐसी चीज़ें जिनकी मदद से हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करें ठीक है कम्युनिकेट यानी कि हम रहा करें यहाँ पर जो हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन की जो टाइप पढ़ेंगे वो है प्रिंट कम्युनिकेशन ठीक है प्रिंट कम्युनिकेशन प्रिंट कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास प्रिंट की फॉर्म में हो जैसे आपकी बुक होती है बुक आपके सामने आपको नजर आ रही है ठीक है आप उसको टच कर सकते हैं वो आपके पास प्रिंट फॉर्म में हुई है ठीक है सो ऑन द पेज नंबर 10 there आर सम पिक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट these पिक्चर्स ठीक है आपके पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो के मोड्स ऑफ प्रिंट कम्युनिकेशन है यानी कि जो प्रिंट हुई हुई चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कम्युनिकेट हम कम्युनिकेट हम क्यों करते हैं ताकि हम जो अपनी फीलिंग्स हैं या अपनी बातें हैं या हमारी कोई भी ऑब्जर्वेशन है या हमारे कोई ख्यालात हैं हम उनको दूसरों तक पहुंचा सकें ठीक है जैसे अगर मैं कोई बात सोचती हूँ मैं किसी चीज़ के बारे में कोई राय रखती हूँ तो मैं वो अगर दूसरों से शेयर करना चाहूँगी मैं उसको एक बुक की सूरत में भी लिख सकती हूँ मैं उसको न्यूज़पेपर यानी कि अखबार में भी दे सकती हूँ मैं उसको लेटर के यानी ख़त की सूरत में भी दे सकती हूँ या मैगज़ीन जो रिसाले होते हैं उसकी सूरत में भी दे सकती हूँ ठीक है मैं उनको राइट करके प्रिंट करके दे सकती हूँ ठीक है so, सो यहाँ पर जो पिक्चर्स गिवन है हम उनको डिस्कस करते हैं सबसे पहली जो पिक्चर है ये किस चीज़ की है दिस इज़ अ बुक ठीक है यहाँ पर देखें आपके पास बुक बनी हुई है अब बुक के साथ आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं देखें जैसे आपकी इंग्लिश की बुक है वहाँ पर आपके पास डिफरेंट लेटर्स वर्ड्स और पिक्चर्स दी गई होती हैं ठीक है थीके? बहुत सारी आपके पास पिक्चर्स होती हैं ना अब उन पिक्चर्स से क्या हो रहा होता है आपको पता चल रहा होता है कि यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है किसी चीज़ के बारे में आपको पता लग रहा है ना कि जो बुक वाले हैं या टीचर है वो आपको पिक्चर के ज़रिए कुछ बता रही है कुछ समझा रही है ना आपसे वो कम्युनिकेट कर रही है ठीक है तो बुक जो है वो एक प्रिंट कम्युनिकेशन की फॉर्म है कि बुक से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ जैसे अगर मैं आपको बुक बुक के साथ पढ़ाती हूँ तो वो जो बुक है वही तो हमारे बीच का कम्युनिकेशन का जरिया बन रही है ना ठीक है अगर बुक नहीं होगी तो मैं आपको किससे पढ़ाऊँगी तो बुक यहाँ पर कम्युनिकेट करा रही है टीचर को स्टूडेंट के साथ ठीक है द नेक्स्ट वन इज़ न्यूज़ यानी कि अखबार अब देखिए अखबार में क्या होता है खबरें होती हैं ना तो खबरें पढ़ने वाला यानी कि जिस जो अखबार पढ़ रहा होता है उसको अखबार पढ़ने से क्या हो क्या मिल रहा होता है ख़बरें मिल रही होती हैं ना उसको पता चल रहा होता है कि उसके मुल्क में क्या हो रहा है कहाँ पर कौन कौन से वाक़ पेश आ रहे हैं जैसे आपने अगर देखा होगा आपके घर में जब बड़े न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं यानी कि जो खबर ख़बरें पढ़ते हैं न्यूज़ में ठीक है न्यूज़पेपर में जो लिखी गई होती हैं रिटर्न फॉर्म में होती हैं ठीक है प्रिंट फॉर्म में होती है उनसे उनको पता चल रहा होता है कि उनके मुल्क के या इर्द गिर्द के क्या हालात हैं ठीक है ठीके? और अगर जैसे द नेक्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ मैगज़ीन ठीक है अब इस मैगजीन्स में क्या होता है जैसे आपने देखा होंगे कि बच्चों के मैगजीन्स होते हैं अब उनमें क्या क्या चीज़ें दी गई होती हैं वहाँ पर कहानियाँ होती हैं बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज़ की पिक्चर्स दी गई होती हैं बहुत सारी बच्चों की पिक्चर्स दी गई होती हैं वहाँ पर वहाँ क्या हो रहा होता है कि बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ठीक है थीके? किस तरह से जैसे उनको उनके लिए स्टोरीज़ लिखी गई उनके लिए डिफरेंट तरह की पिक्चर्स ड्रा की गई ठीक है तो मैगजीन से भी जो है वो पिक्चर्स और स्टोरीज वगैरह की फॉर्म में जो है वो स्टूड चिल्ड्रन के साथ कम्युनिकेट किया गया है ना ठीक है और जो मैगजीन है वो प्रिंट होके आता है यानी कि हम देखें उसको देख सकते हैं उसको टच कर सकते हैं और उस पर जो सारी जो स्टोरीज और पिक्चर्स वगैरह होती हैं वो प्रिंट की फॉर्म में होती है ना ठीक है तो ये भी हमारे पास प्रिंट कम्युनिकेशन का एक जरिया है द नेक्स्ट वन इज़ लेटर यानी कि जो ख़त होते हैं खत अब देखें ख़त के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जा सकता है जैसे अगर सपोज कि आप कोई रिश्तेदार जो है वो आपसे बहुत दूर रहता है ठीक है वहाँ पर अगर वो आपसे बात करना चाह रहा है तो वो आपको ख़त लिख रहा है ठीक है अब वो ख़त में क्या लिखेगा आपका आपके बारे में लिखेगा आपकी खैरियत रियाफ़ करेगा आपको अपने बारे में बताएगा तो वो उस ख़त के ज़रिए आपसे क्या हो रहा होता है कम्युनिकेट हो रहा होता है आपसे रे में होता है ठीक है सो लेट अब आपने कभी देखा होगा कि लेटर में जो है वो लिखते हैं ठीक है थीके? वो रिटर्न फॉर्म में होता है और वो किसी कागज़ पे लिख रहे होते हैं ना ठीक है कागज़ इसमें यूज़ हो रहे होते हैं ना तो जो प्रिंटिंग होती है वो कागज़ की सूरत में होती है ठीक है उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो कागज़ से मिलकर बनी होती है जैसे मैंने आपको बुक का बताया था बुक में भी तो पेजेज़ होते हैं इसी तरह न्यूज़पेपर यानी कि अखबार ठीक है अखबारों में भी तो पेजेस होते हैं ना और मैगज़ीन मैगज़ीन में भी पेजेस होते हैं और लेटर लेटर भी तो एक पेज के ऊपर लिखा जाता है ना सो तो ये एक प्रिंट कम्युनिकेशन की फॉर्म है जिसमें पेजेस पर आपके पास चीज़ें दी गई लिखी हुई होती है जैसे बुक पेजेस पर मुशतमिल होता है अखबार मुश्तम होता है पेजेस पर पे, मैगज़ीन मुश्तमल होते हैं पेजेस पर और लेटर भी जो है वो आप पेजेस पर लिखते हैं ठीक है तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं ठीक है जो हमने पिक्चर्स पढ़ी थी वो कौन कौन सी थी बुक ठीक है अब यहाँ पर देखें बुक वर्ड जो लिखा हुआ है इसके स्पेलिंग हम पढ़ेंगे बी ओ ओ के ठीक है अब यहां पे देखें बी के बाद ओ दो बार लिखा है तो आप इसको डबल ओ भी पढ़ सकते हैं ठीक है डबल ओ का क्या मतलब है यानी कि दो बार ओ आया हुआ है बी डबल ओ के बुक ठीक है द नेक्स्ट वन इज न्यूज पेपर एन ई डब्ल्यू एस पी ए पी ई R, gaya? newspaper, okay? Nanike Akbar. The next one is magazine M A G A Z I N E, magazine. The next one is letter L E T T E R letter, okay. So students, आज हमने क्या पढ़ा है Modes of communication में print communication, ठीक है यानी कि जो print form में होती है यानी कि pages पे जो होती है ठीक है So आपने आपको जो घर का काम दिया गया है वो क्या है आपने घर में क्या करना है इंग्लिश की जो ये हमारे पास बुक का पेज नंबर टेन था जो मैंने अभी आपको दिखाया जिसमें मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की पिक्चर्स बनी हुई हैं आपने इनको रीड करना है ठीक है आपने इनके जो वर्ड्स हैं उनको स्पेलिंग के साथ रीड करना है ठीक है आपने इनको टेन टाइम्स ख़ुद रीड करके फिर आपने अपने घर में किसी बड़े को सुनाना है ठीक है स्पेलिंग के साथ That's all for today. Thank you. Have a nice day.